दोस्तों, हम एक गंभीर परिस्थिति से गुजर रहे हैं, इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिस तरीके से मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रही है, हमारे एक एक कार्यकर्ताओं को इस देश के एक एक घर तक पहुंचना पड़ेगा। और जो हमारी विचारधारा है, वैष्णव जनते तेने कहिए पीड़ पड़ाई जाने रे। वैष्णव होने का मतलब होता है दूसरे के दुख दर्द में शामिल होना। और आज इस देश का दुख दर्द क्या है? दुख दर्द यह है कि जीएसटी और नोटबंदी के चलते इस देश के व्यापार को तबाह कर दिया गया है। दुख दर्द यह है कि 100 में से 45 लोग बेरोजगार होकर के घूम रहे हैं। दर्द यह है कि हर 15-16 मिनट में हमारी किसी महिला के साथ कोई अत्याचार होता है। दर्द यह है कि शोषितों वंचितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। दर्द यह है कि दिन भर ये साहब क्या भाऊ लाठी लेकर के ड्यूटी करते हैं, बुढ़ापा में पेंशन नहीं मिलेगा तो आपको सुरक्षा मिलेगी? दर्द यह है कि जो लोग अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं सरकार की नौकरी करने के लिए, उनका पेंशन बंद कर दिया गया है। यह इस देश का बुनियादी सवाल है। इस देश का बुनियादी सवाल रोजी रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य सड़क बिजली पानी का सवाल है। इसीलिए हम आपसे यह अंतिम आग्रह करना चाहते हैं कि जब तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, तब तक इस देश के ऊपर गोडसे की विचारधारा नहीं थोपी जा सकती है। इंसान को इंसान से नहीं लड़ाया जा सकता है, इंसान को इंसान से नहीं बांटा जा सकता है। इसीलिए हमको अपने देश के बुनियादी सवालों पे बात करना है, और बुनियादी सवाल पे बात हो इसके लिए जरूरी है कि नफरत की भाषा जो बोलने वाले लोग हैं हम उनके साथ नहीं खड़े होंगे, समाज को जो बांटने वाले लोग हैं हम उनके साथ नहीं खड़े होंगे।